रहता है, जब पब्लिक के चुन के किसी को भेजता है तो सरकार उसको काम करने दे। एलजी का क्या रोल है उसमें? सही बात है। एलजी का क्या, वो पावर उसकी कौन दिया है? ये गुंडागर्दी है। जब जनता ने चुन के किसी को भेजा सरकार चलाने के लिए, इतनी पूरी दिल्ली के जनता बेवकूफ़ है, एलजी होशियार है क्या? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं लोग। कहीं ना कहीं कहते हैं कि महंगाई है तो कमाई भी तो उतनी हो रखी है। कहाँ कमाई है, आप खड़े होके देखो, जो कहता है आओ हमारे सामने सारे दिन खड़े रहो, शाम को 200 रुपये कमा के जाओ, फिर देखते हैं महंगाई कितनी है। जिसके घर में 600 रुपये का खर्चा है उसे सारे दिन में 300 मिलेंगे तो महंगाई है नहीं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कब तक उम्मीद लग रही है? अरे ये तो गुंडागर्दी है, क्योंकि आरोप हम बताएंगे नहीं और जमानत होने नहीं देंगे। भाई आरोप जो भी हम किसी के ऊपर आरोप लाए तो आरोप तो बताओ ना, ये क्या क्या जुर्म है, हम आरोप बताएंगे नहीं, वो उसको बरी होने नहीं। कांग्रेस के टाइम में ये था, गरीब आदमियों का पेट भर जाता था, कैसे रोजगार था। अब ये देखो पूरा करोलबाग साफ कर रखा रेड़ी पटरी। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था कि गरीब आदमी कहीं से भी आके दो रोटी कमा खा सकता था, लेकिन इनके राज में तो सिर्फ नेता लोग पैसे भरते, ऊपर नीचे 50-50 इसकी आम आदमी की आएगी, 50 आएगी इस बारी, मतलब जो 70 सीटें हैं उसमें से 35 हाँ। सीटें कंफर्म है हाँ। आम आदमी की है, 61 सीटों में से कम होगा कुछ आंकड़ा। 61 में बता तो दिया, 50 आएंगी। 15 लाख देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, आए थे 15 लाख? वो 15 लाख क्या, वो तो सब वादे रह जाते हैं किताबों में। किताब एक निकालते हैं कि जैसे हमने वादा कर दिया पब्लिक के बीच में जाके, हमने उसे पूरा नहीं करना, उल्टा और भ्रष्टाचार से करना। चुनाव में कौन जीतता नजर आ रहा है? वो तो केजरीवाल ही आएगा कन्फर्म है। बहुत एकदम सीधा बता दिया आपने, केजरीवाल नजर आया, रिजल्ट ही सुना दिया, कारण भी बता दीजिए क्यों? कारण है लेडी उसों को बस फ्री मिल रही है और गरीब आदमी को बिजली दिल्ली में नहीं आएगी। दिल्ली का क्यों नहीं आती है? दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी, एक बार आई थी सीलिंग का मुद्दा उठाया, सीलिंग बहुत करवाई थी बीजेपी ने, इस चक्कर में थोड़ा महंगाई बढ़ी थी इसके राज में, तो इसलिए दिल्ली में नहीं आएगी बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मैं करोलबाग क्षेत्र में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बताएंगे विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी जीतेंगे या बीजेपी सरकार से कोई जीतता नजर आएगा, क्योंकि विधानसभा में 61 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है और जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी की तरफ है और 2 वैकेंट के रूप में है। केजरीवाल जी ने कितना काम किया कितना नहीं, लोगों से पूछेंगे कि सत्ता बदलती नजर आ रही है या नहीं आ रही है। तो अच्छा बात करूं केजरीवाल जी की, विधानसभा चुनाव में जीतते नजर आ रहे हैं या हारेंगे? दिल्ली में तो केजरीवाल ही आना है दोबारा, कंफर्म है। कारण बताएंगे क्यों? लोगों के लिए फ्री कर रखा है, बस फ्री कर रखी है और भी कई चीज़ें, बिजली पे छूट दे रखी है, तो केजरीवाल को ही आना दिल्ली में। तो सुविधा की बात करूँ, जैसे मोहल्ला क्लिनिक लोग बता रहे थे, जैसे वो जेल गए हैं तब से मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गया है और पानी और बिजली का जो रेट है वो भी बढ़ के आने लग गया है। मोहल्ला क्लिनिक खुले पड़े हैं, बंद कहाँ हैं अभी, हमारी तरफ तो खुला हुआ है। बाकी वैसे काम तो थोड़ा बहुत ठीक ही किया, ऐसी बात नहीं है तो काम नहीं किया उसने। आना केजरीवाल को ही है दोबारा, एक बार कह रहे कि फिर से चांस दिया जाएगा केजरीवाल को, दोबारा फिर से चांस दिया जाए एक बार। बीजेपी के कोई चांसेस लग रहे हैं? बीजेपी आ सकती है? बीजेपी नहीं आएगी दिल्ली में, नहीं आएगी केंद्र में आ सकती है पर दिल्ली में नहीं आएगी। क्यों नहीं आ सकती दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी, एक बार आई थी सीलिंग का मुद्दा उठाया, सीलिंग बहुत करवाई थी बीजेपी ने, इस चक्कर में थोड़ा महंगाई बढ़ी थी इसके राज में, तो इसलिए दिल्ली में नहीं आएगी बीजेपी। दिल्ली में नहीं आएगी, नहीं। अच्छा केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कहा था कि अभी जिस तरीके रोड हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, 7 झीलें बना देंगे, लेकिन जगह जगह पानी लगने लग गया है, गड्ढा आपके सामने ही है वहाँ पे, इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी में तो केजरीवाल जी हैं, मानते तो हूँ केजरीवाल है लेकिन ऊपर से परिसर काम भी तो नहीं करने देते उसको, काम नहीं करने देते उसको, काम करे तो ऊपर से प्रेशर आता है, एलजी का प्रेशर आ गया कभी इसका नाम किया। आपने एलजी की बात करी है, बहुत बड़ा सवाल हो गया कि केजरीवाल जी को कोई पावर नहीं दी है, सारी पावर एलजी को दे दी, सारी पावर एलजी को दे दी, तो केजरीवाल क्या करेगा अकेला बेचारा? और पावर बढ़ा दी कल से, और पावर बढ़ा दी है उसकी, तो इसलिए केजरीवाल काम नहीं कर पाता। सर क्या नाम आपका? राजेश। कहाँ से? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, अगर मैं बात करूँ केजरीवाल जी के बारे में, विधानसभा में पहले पूछ लो तो विधानसभा चुनाव में कौन जीतता नजर आ रहा है? वो तो केजरीवाल ही आएगा, कंफर्म है। बहुत एकदम सीधा बता दिया आपने, केजरीवाल नजर आया, रिजल्ट ही सुना दिया, कारण भी बता दीजिए क्यों? कारण है लेडी उसों को बस फ्री मिल रही है और गरीब आदमी को बिजली पानी फ्री मिल रहा है। आपत्ति भी तो जना रहे कि भैया जो महिलाएं 1 लाख रुपये कमा रही है वो भी बस में ट्रैवल, ऐसा है वो किसी भी घर की हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख कमा रही है, कोई गरीब भी जाती हैं बसों में, और प्लस है कि कोई महिला वैसे हॉस्पिटल जाना तो उन्हें बस फ्री मिल जाती है, तो इस वजह से केजरीवाल बेस्ट है। अच्छा, दिल्ली के लिए केजरीवाल जी ने कुछ अभी 10 गारंटी निकाली थी कि 10 सुविधा निकाली थी, इसमें कहा था रेल पटरी वालों को भी, जो पटरी लगाते हैं उनके लिए भी सुविधा होगी, आप लोग के लिए सुविधा? वो तो जुमले होते जी,
गरीब आदमी के लिए कोई नहीं सोचता, ना केंद्र ना विधानसभा वाले। जुमले की बात करिए तो जुमले की बात आती है तो बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा जुमले में आगे होती है, ऐसा कहते हैं लोग कि 15 लाख देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, आए थे 15 लाख? वो 15 लाख क्या, वो तो सब वादे रह जाते हैं किताबों में। किताब एक निकालते हैं कि जैसे हमने वादा कर दिया पब्लिक के बीच में जाके, हमने उसे पूरा नहीं करना, उल्टा और भ्रष्टाचार करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नेता ने, आप कहीं भी चले जाओ किसी भी शहर में, नेता लोग के पास कोई काम नहीं करके राजी, सब अपनी जेब गर्म करते हैं बस। अच्छा, सरकार कौन सी बढ़िया काम कर रही है? जैसे राहुल गांधी सरकार थी जब पहले कांग्रेस की, वो अच्छा काम करती थी या मोदी सरकार? सर, कांग्रेस के टाइम में ये था, गरीब आदमियों का पेट भर जाता था, कैसे रोजगार था। अब ये देखो पूरा करोलबाग साफ कर रखा, रेड़ी पटरी। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था कि गरीब आदमी कहीं से भी आके 2 रोटी कमा खा सकता था, लेकिन इनके राज में तो सिर्फ नेता लोग पैसे भरते और कोई नहीं। अच्छा, महंगाई भी है, देख लो महंगाई कितने चरण पर गई है, बाकी स्कूलों की फीस देख लो आप। जब कहते हैं महंगाई की बात आती है तो लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि महंगाई है तो कमाई भी तो उतनी हो रखी है। कहाँ कमाई है, आप खड़े होके देखो, जो कहता है आओ हमारे सामने सारे दिन खड़े रहो, शाम को 200 रुपये कमा के जाओ, फिर देखते हैं महंगाई कितनी है। जिसके घर में 600 रुपये का खर्चा है उसे सारे दिन में 300 मिलेंगे तो महंगाई है नहीं। तो इसी से जिनके पास आ रहा है अंधाधुंध पैसा, ब्लैक मनी आ रही है या इधर से आ रहा है, किसी का चीना जब्ती से आ रहा है, काला धन ले आए वापस। कौन सा काला धन आ रहा है, कहाँ है काला धन? आपकी जेब में है काला धन, किताबों में है। क्या कहा मैंने, आधे नेता जितने भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस में थे, उसमें पार्टी बदल ली तो वो ईमानदार हो गए, कांग्रेस की सरकार आई उसमें चले गए तो वो ईमानदार हो गए। नेता कोई ईमानदार नहीं आज के टाइम में, सब वरिष्ठ है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में जैसे 61 सीटें आम आदमी पार्टी पास है और 7 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, तो कुछ लग रहा है ऊपर नीचे हो सकता है? ऊपर नीचे 50-50 इसकी आम आदमी की आएगी, 50 आएगी इस बारी, मतलब जो 70 सीटें हैं उसमें से 35 सीटें कन्फर्म है आम आदमी की है, 61 सीटों में से कम होगा कुछ आंकड़ा? 61 में बता तो दिया, 50 आएंगी। ये सब जो भी बात बोलते हैं ना, ये सब ये बताओ, जो काम करते हैं उनको तो करने नहीं देता है, जब पब्लिक के चुन के किसी को भेजता है तो सरकार उसको काम करने दे, एलजी का क्या रोल है उसमें? सही बात है। एलजी का क्या, वो पामर उसकी कौन दिया है? ये गुंडागर्दी है। जब जनता ने चुन के किसी को भेजा सरकार चलाने के लिए, इतनी पूरी दिल्ली के जनता बेवकूफ़ है, एलजी होशियार है क्या? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। एलजी का क्या रोल है भाई, जब चुन के दिया था जनता उसके काम करे, ना काम करे तो हटाए सरकार को। जब हाल ही में जिस तरीके से कह रहे हैं जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कब तक उम्मीद लग रही है? अरे ये तो गुंडागर्दी है, क्योंकि आरोप हम बताएंगे नहीं और जमानत होने नहीं देंगे। भाई आरोप जो भी हम किसी के ऊपर आरोप लाए तो आरोप तो बताओ ना, यही क्या क्या जुर्म में हम आरोप बताएंगे नहीं, वो उसको बरी होने नहीं देंगे, बस यही बेवकूफ़ बनाने। आरोप साबित तो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी ईडी को। भाई क्या बोला, वो ईडी तो उसकी गलती है ही नहीं, कहाँ से सबूत दिखाएंगे? अरे भाई कोई चीज़ की गलती के सबूत दिखाओगे ना, वो सबूत है नहीं है, बस थुथुरपन की सरकार बना रहे अपना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, करोलबाग से कौन जीतता नजर आ रहा है? हम तो हमारे यहाँ से है दुर्गेश पाठक, बहुत अच्छा है, हम इंद्रपुरी से आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर दुर्गेश पाठक बहुत A1 है, उससे पहले राघव चड्ढा था, A1 है। हम जब भी कोई काम के लिए गया, एंड टू एंड हमारा काम हुआ, सारे काम। अच्छा, हम वहीं से रहते हैं। उम्मीद लग रही है कि भाजपा कुछ सीटों में, हम जो सीट के वहाँ उस सीट पे तो 100% नहीं आएगा। हम इंद्रपुरी क्षेत्र से, भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, हमारे यहाँ से बिल्कुल गलती से भी नहीं आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ से पहले राघव चड्ढा था, वो सीट खाली हुआ, फिर से इलेक्शन हुआ, दुर्गेश पाठक आया। अच्छा, अब इलेक्शन आएगा फिर वही आएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेके योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है, क्या आप ऐसे किसी का घर नहीं तोड़ सकते? अरे भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गुंडागर्दी है। ये बताओ जब सरकार ने बगैर नोटिस के, जब नोटिस आया नहीं घर कैसे तोड़ देगा? भाई कोर्ट है नहीं किसी के लिए ना जी। जब नोटिस आया नहीं उससे पहले तोड़ दिया, मतलब गुंडागर्दी तो है। भाई कोर्ट किस लिए बनाया गया? आप प्रूफ लेके आओ, अलीगल है तोड़ो, जिसके जिसके मकान तोड़े चल टूटे, अलीगल अलीगल के भी तोड़ रहा है वो, ये तो गुंडागर्दी बना रखा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा, जैसे जिस तरीके से 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, इसमें से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को लग रहा है और बीजेपी को लग रहा है? जैसे आम आदमी पार्टी के पास 61 सीटें हैं, अब कितना लग रहा है कि कितनी सीटें हैं? इनकी सीट बढ़ेगी कुछ ना कुछ, 61 से बढ़ेगी, बढ़ेगी पक्का बढ़ेगी। तो बीजेपी के पास जो 7 सीटें हैं वो भी कम होगी? हाँ, कम होना होना है, भाई काम नहीं करेगा तो कम तो होना ही होना है। अच्छा, दिल्ली में काम हुआ केजरीवाल जी के द्वारा? कहीं भी चलो, किसी बच्चे से पूछो, छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे को बता देगा काम करते हैं। भाई छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, उससे भी पूछोगे तो बता देगा क्या फायदा हमारा। लेकिन कह रहे हैं लोग कि जब से वो जेल में गए हैं तब से सारी चीज़ें सुविधा बढ़ गई है, रेट बढ़ गया बिजली का, तो पानी का रेट। जब उसके भाई वो है ही नहीं पावर में, पावर किसी और को दे दिया। पावर नहीं है, इनकी पावर है।
तो बिजली बिल तो आएगा ही, जल बोर्ड भी नहीं का है ना। वो कह रहे जल बोर्ड भी नहीं गई है। किन का? बीजेपी। ये उन्हीं के बताएंगे, उनसे भी पूछ लो, सारे बताइए, आप ही बताइए। जब आपने आपने सवाल, सारी पावर इनकी है तो क्या जल बोर्ड उनका नहीं है? तीन दिन पानी नहीं आता, वो कौन देगा पानी? कोई काम ही नहीं है तो झूठ बहाना है। पब्लिक को कोई टाइम कुछ काम ही नहीं करके रह जी। हाँ, महंगाई नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, अभी भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बहुत है, उनके लिए महंगाई है। अच्छा, हाँ, उनके लिए अनऑथराइज माल टूट रहा है। जो अनलीगल होगा टूटेगा, जो लीगल होगा वो थोड़ी टूटता है। लेकिन सवाल ये भी था कि जिस तरीके से जो काम, जो मतलब लीगली जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, आप उसका मकान तोड़िए, मतलब उसको सजा दीजिए ना, आप परिवार को सजा दीजिए। अगर घोटाला किया है तभी तो जेल में, अगर दस बारी संबंध है, हाजिर होते हैं तो क्यों जाते हैं?